तुम दोनों को थोड़ा और जोर लगाना होगा। मुझे पता है ट्रंक्स कहाँ है। मेरा नाम फू है और मैं ट्रंक्स का दोस्त हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, बताओ ट्रंक्स कहाँ है। ट्रंक्स मुसीबत में है और वो अभी किसी और प्लेनेट पर है, और वो जिस प्लेनेट पर है उसका नाम प्रिजन प्लेनेट है। क्या बोल रहे हो, प्रिजन प्लेनेट? तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो प्रिजन प्लेनेट पर है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। उस प्लेनेट पर सभी यूनिवर्स के खतरनाक मॉन्स्टर आते हैं। मुझे नहीं लगता ट्रंक्स वहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा। ट्रंक्स खतरे में है, तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। ट्रंक्स को तो हमेशा मदद की जरूरत पड़ती रहती है, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। चलो चले क्या करॉट। वेजिटा देखो ये कितना बड़ा चेन है। मुझे एक बड़ी शक्ति महसूस हो रही है केकारोट। हाँ मैंने भी महसूस किया। आखिरकार तुम मिल ही गए। मैंने तुम्हें वहां देखा था, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। वहां से तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो? वो क्या था? इसका कोई फायदा नहीं, ये जगह पूरी तरह बंद है। तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तो ये बात है। ये उतना भी बुरा नहीं था। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ये तुम्हारे लिए है सेयंस। तुम सेयंस आपस में लड़कर मरने वाले बुजदिल सेयंस हो। अपना मुंह बंद रखो तुम। ऐसे छोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। क्या? तुम्हारा काम यहाँ यहाँ काफी अच्छा था, लेकिन इससे तुम इस चेन को नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारा कोई भी तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे वो तुम्हारा काम यहाँ यहाँ काफी पसंद आया। तुम लोग कभी भी अपने हमशक्ल से यहाँ मुलाकात कर सकते हो। मेरा नाम गोकू है और मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। तुम किस यूनिवर्स से हो? मेरा काम यही है कि जो भी दूसरी दुनिया में दखल देने की कोशिश करता है मैं उन सबको रोकता हूँ। हाँ, इसका मतलब तुम एक अच्छे आदमी हो। मुझे लगता है ये इस प्लैनेट के बारे में कुछ जानता है। जल्दी तुम लोग एक ताकतवर सैयन से मिलने वाले हो। इस यूनिवर्स में जितने भी ताकतवर योद्धा हैं, मैं उसे यहाँ लाता हूँ, और जान बचाने के लिए वो एक दूसरे का खून बहाते हैं। हाँ, क्या एक ताकतवर योद्धा? तुम लोग इस प्लेनेट पर आकर फंस चुके हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम सिर्फ एक शैतान हो और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई शैतान नहीं। मुझे तो इन सभी योद्धाओं को मरते देख बहुत मजा आता है, और जल्दी तुम्हारी बारी आएगी। ट्रंक्स कहाँ है गधे कहीं के? ट्रंक्स को तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और मेरी बात मानो तो तुम्हें ड्रैगन बॉल ढूंढना चाहिए। अब तुम सबकी मदद सिर्फ और सिर्फ सेनरॉन ही कर सकता है, तो जाओ और जाकर ड्रैगन बॉल को अभी से ढूंढो। क्या ड्रैगन बॉल? ये है वो बॉल। हे, तुम्हारे पास तो एक है। हाँ, ये ड्रैगन बॉल मुझे उसी ने दिया था। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास तो एक ड्रैगन बॉल पहले से ही है, और बाकी के ड्रैगन बॉल हासिल करने के लिए तुम्हें योद्धाओं से भी लड़ना पड़ सकता है। तो गुड लक। हाँ, ये क्या चीज है मेरे हाथों में? हाँ, हाँ? आखिर मैं हूं कहां? हाँ,
वो ड्रैगन बॉल तुम मुझे दे दो। मुझे जाने दो यहाँ से। लगता है सारे के सारे योद्धाएं वापस आ रहे हैं। इन सभी यूनिवर्स के योद्धाओं पर मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आ रहा है, और बहुत जल्द तुम्हें भी उन सभी योद्धाओं के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। आखिरकार वो ईवल सैयन जाग ही गया। अब इसका खेल देखने में बड़ा मजा आएगा। हे वेजीटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फू किस तरह के सैयन के बारे में बात कर रहा था? वो बकवास कर रहा था। हमें अभी सिर्फ ट्रंक्स को ढूंढना है। हाँ, अब वो क्या है? क्या कमाल की शक्ति है! क्या ये भी एक सैयन है? मैं तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। क्या ये भी एक सैयन है? मैंने ऐसी शक्ति पहले कभी महसूस नहीं की। पागल हो गए क्या? करो नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ट्रंक्स, तुम जाकर उस क्या करोट को संभालो, तब तक मैं इससे लड़ता हूँ। समझ गया डैड। कूलर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक ईवल सैयन है जिसका नाम है कुंभर, और वो अब पूरी तरह से आजाद है। कुंभर, तो ये एक ईवल सैयन है। सुनिए डैड, कूलर अब हमारे तरफ है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ बच्चे। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? फू, तुमने कहा था फ्रीजा अब गोल्डन फ्रीजा बन चुका है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, और जो वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। मेरा ये नया फॉर्म तुम्हें कैसा लगा? मैं इसे कहता हूँ गोल्डन कूलर। चलो शुरू करते हैं। गोकू, आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ट्रंक्स। वेजीटा कहाँ है? वो
उस ईविल सैयन से लड़ रहे हैं। कुंवर, एक ईवल सैयन। एक ईवल सैयन? एक पुटारा? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। कोशिश बेकार है बच्चे। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। जल्दी करो के काट, हमें फ्यूज होना होगा। ठीक है। चलो शुरू करें कुंभर। अपना पावर बढ़ा रहा है। सच में इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तुम ठीक तो हो प्रंस? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तुम जैसे ताकतवर विरोधी का सामना मैंने पहली बार किया है। अब मुझे तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। खत्म कर दो। ये लड़ाई तो काफी पेचीदा होती जा रही है। इससे बचकर दिखाओ। ऐसे तो पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। हाँ
वाह क्या बात है, मार डालो, खत्म कर डालो मेरे ईवल सैयन। ये तो अपना शक्ति बढ़ाता ही जा रहा है। अब इसे खत्म करते हैं। मुझे काफी पसंद आया, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब आएगा मजा। ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। इसने तो हम दोनों को अलग कर दिया क्या करा। तुम्हारा जवाब नहीं मेरे ईवल सैयन, तुम्हारा ये बड़ा सा रूप देखकर मैं काफी खुश हुआ। कुचल डालो उन्हें अपने बड़े बड़े पैरों से। वेजिटा, मुझे पता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हमें इसकी पूंछ को काटना होगा। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। Ha!
तेज है। नहीं गोकू, तैयार हो ट्रंक। ये तो काफी ताकतवर लगता है, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। आखिर ये है क्या? लड़ो और लड़ो, उन सभी को खत्म कर दो। मैं तुम लोगों को अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे अपनी ताकत देना है और कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे सही से कैसे करना है। नहीं गोकू, क्या करो? इसे तोड़ना नहीं है, समझे बेवकूफ? नहीं मुझे। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अब तुम इससे बचकर दिखा कंबर। आखिर इसने ये कैसे किया? ठीक है, अपनी लड़ाई जारी रखो। तब तो मैं तुम्हीं से लड़ूंगा। तुम्हारी कोशिश बेकार है। आखिर वो बेवकूफ क्या करने की कोशिश कर रहा है? बहुत हुआ, इसे अब मैं संभालता हूं।
ऐसे तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकूंगा। कौन है वो? किसने किया है ये सब? बस इतना ही दम है तुम में? ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मरने का वक्त आ गया। अब इसे खत्म करते हैं। क्या अब तुम्हारी लड़ाई हम लोगों के साथ है? मुझे नहीं पता तुम हो कौन, लेकिन तुम ताकतवर लगते हो और मुझे ताकतवर विरोधी से लड़ना पसंद है। वहां तो आपके हम शक्ल हैं डैड। अब ये लोग कौन हैं? सुनो, तुम उस कैकरोट को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। चलो शुरू करते हैं। इसकी ताकत तो लाजवाब है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मुझे फ्यूजन पसंद नहीं है। मैंने भी ये कभी सोचा नहीं था। हमने कर दिया। ये तो खत्म होता जा रहा है। फू, तो तुम लोग हो जिन्होंने मेरे लैब को तोड़ कर रख दिया।
अब तुम्हें तो मैं। आखिरकार तुम आ ही गए अफू, तुम्हारे लैब के साथ तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। तुम लोग यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हो और अब मेरा प्लान है तुम लोगों को सजा देना। तो तुम लोग अब तक जिंदा हो, अब नहीं रहोगे। चलो इसे पकड़ते हैं नतीजा। अब ये हमारा मिशन है। इतनी शक्ति इसके पास आ कहां से रही है? चलो मुझसे। ये क्या? ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया हो। वे लोग जल्दी तुम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। यहाँ पर तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। काश कि ये सब मैं अपने आंखों से देख पाता, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम लोग नहीं जा सकते। उसे जाने दो कैकरोट, हमें यहाँ से सिर्फ ट्रंक्स को लेकर जाना चाहिए। आखिर ये है क्या चीज? मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट?
अब ये क्या चीज है? ये कमाल है। चलो अब हमारी बारी है, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो अब मैं चलता हूं, शायद तुम्हारी दुनिया में अब सब ठीक होगा। जब गोकू वहां पर है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी मदद करो, यहां पर एक मुसीबत आ गई है। यूनिवर्स 7 के कायोशिन क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? एक अनजान दुश्मन ने यूनिवर्स 6 पर हमला कर दिया है और हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी मदद करो। क्या तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ है? हमने लॉर्ड चंपा के अलावा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा किसी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि हमने जैनो समाकक्ष से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कायोशिन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उन सभी को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मुझे तो छोड़ दो, मैं उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कमजोर मत समझो। तुम्हारा दुश्मन तो काफी ताकतवर लगता है। अगर तुम चाहो तो हम आपस में जगह बदल सकते हैं। मैं तैयार हूँ।
कमाल है, ये तो ताकतवर है, मुझे पसंद आया। ये तो काफी कमजोर है, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। नहीं तो मैं क्या? ये सब मेरे सामने बेकार है। क्या तुम्हारी ताकत इतनी है? तुम्हें थोड़ा और जोर लगाना होगा। बुरा नहीं था, थोड़ी और कोशिश करो। हमने कर दिया। ये थोड़ा दमदार था। ये तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए। तुम लोग अब गए स्मैश ब्रेक। तुम लोगों को तो काफी मजा आ रहा होगा, है ना? हाँ, मैं और लड़ना चाहता हूँ। हम तुम्हें अच्छा मजा सिखाएंगे। यूनिवर्स 7 के योद्धा मास्टर, अपना ध्यान मत भटकाओ कामा। ठीक है, आपके साथ में ये कौन है? इसका नाम ट्रंक्स है। देखो तो, शायद कुछ नए लोग आए हैं। हम तुम्हें अच्छे मजे चखाएंगे। तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। ये तो हमारे प्लान में नहीं था। यूनिवर्स 7 के लोग यहाँ इस वक्त कहाँ से आ गए? ये लोग यहाँ पर, मुझे लगता है शायद तुम इन लोगों को जानते हो। तुम्हें इन लोगों को खत्म करना होगा। मैं समझ गया। लेकिन रुको, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक ओमनी किंग हार नहीं जाता। अब इसमें मजा आ रहा है। हाँ सही कहा, ये काफी मजेदार होता जा रहा है। कोई गलती मत करना, ठीक है डैड? मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें इस लड़की का इस्तेमाल करूँ। अच्छा आइडिया है, मैं भी यही सोच रही थी। इन लोगों का शरीर अब हमारा है। आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? ध्यान रखना, वे लोग इसके बाद हमारे पास आएंगे।
हाँ क्लैश ब्रेक। तुम अब गए स्मैश ब्रेक। डैड अब हमें क्या करना चाहिए? इन सब के बारे में तुम मत सोचो ट्रंक्स। इनका शरीर काफी अच्छा है। आखिर ये दोनों बहनें सेंस है ना। इनकी शक्ति तो काफी अजीब है। हमें सुफेरियन के सुपर साइंस ने बनाया है। एक बनावटी लाजवाब योद्धा। हाँ उन लोगों ने हमारे अंदर लगभग लड़ने की सारी तकनीकें डाली है, लेकिन हमें बनाने के बाद उन सभी लोगों को हमारी शक्ति से डर लगने लगा। कमाल है ना, उन्होंने हमें बनाया फिर वही हमें खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। तुम उन लोगों का शरीर छोड़ो अभी। डैड अभी हमारा मौका है। हाँ? मैं समझ गया, वो लोग उन दोनों का ध्यान बटा रहे हैं। ये सही वक्त है, अब इसे संभालो। हे क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओ नहीं, क्या तुम ठीक हो? हाँ और तुम? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। काफी मजा आया तुम लोगों को इतना परेशान देखकर। अपना मुंह बंद रखो। ब्रह्मांड का बीज अब इनकी शक्ति से काफी अच्छा काम कर रहा है। अब ये बेवकूफ कौन है? मैं वो हूँ जिसने ओमनी किंग को हराया है, हर्ट्स। इस ब्रह्मांड के बीज के जरिए मैं बहुत जल्द ओमनी किंग, कायोशिन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कुचल कर रख दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, और सिर्फ मैं ही, और तब मैं पूरी तरीके से सभी मनुष्यों को आजाद कर दूंगा। ये काफी अच्छा है ना? तुम इसे आजादी कहते हो? तुम सिर्फ एक शैतान हो। मुझे पता है मैं हूँ। अब ये क्या करने वाला है? और अब तुम्हारी बारी है, तुम इसकी जरूरत पूरी करोगे। ये लोग हमारे हैं। ये लोग काफी ताकतवर हैं, हम लोग इनके साथ और खेलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी। आखिर उसने ऐसा कहा कैसे? और अब हमें दूसरे यूनिवर्स में चलना चाहिए। जमासु मेरे साथ चलो, हमें अपना सपना पूरा होता दिख रहा है। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे तुम इंसानों की तरह हुक्म मत दिया करो, समझे?
जामासू ये यहाँ, लेकिन कैसे? हे तुम, तुम्हें क्या लगता है सभी यूनिवर्स में सबसे ताकतवर योद्धा कौन है? तो तुम्हें लगता है कि सारे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर यूनिवर्स 11 का चिरेन है, क्यों है ना? क्या ये मेरा दिमाग पड़ रहा है? एक के बाद एक है, वो हम सबसे ये को अलग करता जा रहा है। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। इस वक्त तुम कहाँ हो, क्या करो? तो गोकू तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल, आप जब कहें। ट्रंक्स, लगता है ये यूनिवर्स 11 है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। ट्रंक्स, वहां देखो। डैड, अब वो क्या चीज है? डैड, उस रोशनी में क्या था? आखिर ये सब हो क्या रहा है? डैड, डैड, क्या आप ठीक हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका शरीर लेने की? ये हमला तुम्हारे लिए सरप्राइज था। और इन, उसका शरीर कैसा है? ये बहुत ही अच्छा है। क्या बात है, इसकी शक्ति तो कमाल की है। तुम गए स्मैश ब्लिंग। यूनिवर्स 11, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। उसे छोड़ना मत जेरेन। लगता है हम दोनों की ताकत एक जैसी है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। अच्छा काम किया। और इन, तुम उसके साथ क्यों नहीं लड़ते? उसे मेरे लिए छोड़ दीजिए। हर्ट्स, वो मेरा है। नहीं, अब और नहीं। तुम बहुत लड़ चुके हो कुंबर। यूनिवर्सिटी में वापस जाओ अभी। मुझे भी इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी है।
तुम्हें गॉड को अपने गंदे हाथों से नहीं छू सकते। अब इसे संभालो जामासू। तुम बीच में मत आओ जो। तुम्हारा वक्त खत्म। क्या ये तो गोकू है? क्या गोकू? ओरेन। ओह। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। मैं जानता था आप जरूर वापस आओगे। ये नहीं हो सकता, इसकी शक्ति तो। तो अब ये गॉड बन चुका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। से बात करने के लायक नहीं हो, समझ गए? तुम तो काफी तेज हो। नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। क्या? हाँ, क्या तुम मुझे देखकर हैरान हो? तुम्हें पता नहीं क्या मैं अमर हूँ? क्या अमर? और अब हमला करने की बारी मेरी। ओरेन,
लगता है हमें एक होना ही होगा। लगता है अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे लोग तो फ्यूज हो गए। क्यों हैरान हो तुम लोग? मेरा नाम कामी ओरिन है। मैं कामी और ओरिन का फ्यूजन हूँ। लेकिन ये तो मुझे उतना भी दमदार नहीं लगा। लेगिस, लेगिस, तुम फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो। तो लेगिस, तुम आ ही गई। डैड, हमें उनकी मदद करनी होगी। कर सकते तुम बेवकूफ। वो चमकदार और अब पूरा नहीं हो पाया। वो काफी ताकतवर है, उसने उसे तोड़ दिया। मेरा नाम लेगिस है। तुमने इसे तोड़ दिया। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने ये ठीक नहीं किया। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली। अब लड़ते हैं। मैं मदद करता हूँ वेजिटा। लास्ट ब्लेड। बहुत हुआ, अब तुम मुझसे लड़ोगी। ट्रंक्स। हाँ।
नहीं लड़ पा रहा। तुम तो बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये सब मेरे सामने बेकार है। तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं अमर हूँ। बकवास बंद करो। आखिर ये है कौन? ये बहुत ताकतवर है। चलो आओ भी। गोकू, लगता है तुम्हें अब थोड़ी और कोशिश करनी होगी। लेगिस, मास्टर हर्ट्स, तुम अभी यूनिवर्सिटी में जाओ और कुंबर को संभालो। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी ये सब करूं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ये कर सकती हो। ठीक है। तो आखिरकार तुम लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। ऐसा लगता है तुम्हें ये सिलर पावर अभी अभी मिली है। तुमने उसका इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखा है। क्या गुस्सा रहा है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें असली शक्ति दिखाता हूँ, और उसके बाद तुम मुझसे लड़ने के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचोगे। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मैं तुमसे नहीं हारने वाला। ये काफी अच्छा है, चलो अब तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। गोकू, हमें यहाँ से जाना होगा। सुप्रीम का है। अब ये कौन है? जल्दी, मैं समझ गया। ठीक है। वो तो यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय था। उसे जाने दो, पर वैसे भी हमें पता है हमें आगे क्या करना है। वैसे भी हम यूनिवर्स 11 से काफी शक्ति ले चुके हैं। रुक जाओ। जीरेन, नहीं, ये नहीं हो सकता।
ये तो काफी अच्छा है। ये लोग मिलकर मेरे इस एक्सपेरिमेंट को काफी मजेदार बना रहे हैं। वेल, तो लगता है ये लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हे दोस्तों, अगर आपको हमारा हिंदी डब पसंद आया तो वीडियो को हमारा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उस पर जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आखिर हम सब यूनिवर्स 7 में आ चुके हैं। ये इस यूनिवर्स का अंत है। तो तुम यहां हो। चलो आओ। नहीं कंस, रुक जाओ। देखो, पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। हम तुमसे अपना बदला लेंगे। वैसे भी हमने यूनिवर्स 11 में बहुत कुछ सहा है। तुम लोग ट्रंक्स की मदद करो, जल्दी करो। अब ये क्या था? तुम आखिर हो कौन? तो तुम ताकतवर हो? हाँ, तो ठीक है। उम्मीद है ये लड़ाई काफी मजेदार होगी। तुम तो मुझे इंसान नहीं लगते। ये लोग तो एंड्रॉइड्स हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स 7 काफी ताकतवर है। मेरे पास एक बढ़िया जगह है इस यूनिवर्स के बीच के लिए। अब ये क्या? आज मुझे पता चल जाएगा कि इस ईवल सैयन की शक्ति कितनी है। क्या ये सैयन उस कूलर से मुकाबला कर पाएगा? मुझे लगता है इस लड़ाई में मुझे काफी मजा आने वाला है। तुम बेवकूफ, खुद को मशीन में बदल लिए। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? चलो मैं तुम्हें अपनी नई शक्ति दिखाता तुम्हारा खेलने का समय खत्म हुआ। शुरू करते हैं। मैं अपने इस नए रूप को कहता हूँ गोल्डन मेटल कूलर। ये लाजवाब है ना? Oh! Oh! Oh!
ये तो काफी ताकतवर है। कूलर तो ओवरहीटेड हो गया, लेकिन मुझे उससे जितना डाटा चाहिए था मुझे वो मिल गया है। लगता है हमारा आपस में मिलने का समय आ गया। चलो ओरेन। ये दोनों तो एक हो गए। ये एक मुसीबत है, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल सही समय है। बहुत ही जल्द ब्रह्मांड का ये बीज पूरा हो जाएगा और फिर मैं एक एक को खत्म कर दूंगा। तो ये है हर्ट्स की असली ताकत। क्या हुआ, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। तुमने सोचा ये एक ताकतवर विरोधी है और तुम हमेशा से यही चाहते थे। मैं तुम्हारी जरूरत समझता हूँ और जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। Yeah!
तुम खुश हो? नहीं, अभी नहीं। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। हाँ बिल्कुल, और तुम भी। माफ करना, इस हमले के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों से नहीं हार सकता। मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जामासू, तुम सभी इंसानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो लगता है तुम मुझे रोकोगे। तुम्हारा खेल खत्म। How do you feel? मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ।
मजा नहीं आ रहा है। क्या हुआ? क्या तुमने मेरी शक्ति देखी? मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। Special Beam Cannon! लगता है काम योनि उन लोगों के सामने काफी कमजोर पड़ रहा है। अगर तुम्हें और ताकतवर बनना है तो लो, मैं तुम्हें और ताकतवर बना देता हूँ। चल क्या रहा है? सबसे लड़ने के लायक हो चुका है। वो तो अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हमें यहां से जाना होगा। तो आखिरकार ये है यूनिवर्स सीट की शक्ति। ये सब तुमने किया है बेवकूफ कहीं के। वक्त आ गया है, यूनिवर्सिटी पूरी तरह तैयार है। ये नहीं हो सकता।
नहीं, क्या करो? Yeah!
जल्दी करो साथियों, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो मिलकर हम इसे खत्म करें। आखिरकार हमने कर दिया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जरा वहां देखिए, आखिर वो क्या चीज है? वो क्या है? जरा इसे तो देखो, लगता है ये पूरी तरह तैयार है। आखिरकार यूनिवर्सिटी ने काफी शक्ति इकट्ठा कर ली है और ये पूरी तरह तैयार है। क्या कहते हो, ये कितना खूबसूरत है ना? कमीन ओरेन, तुम्हारा ये बलिदान बेकार नहीं जाने वाला। लगता है वो वक्त आ गया। इस मैजिकल बॉल की मदद से हर्ट्स अपनी शक्ति के आखिरी मुकाम पर होगा। इसी वक्त का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो आखिर क्या चीज है? वेजिटा, समसर जामासू, तुम तो सभी मॉर्टल्स को मारना चाहते हो ना? तो फिर हर्ट्स भी एक मॉर्टल है, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? क्योंकि हर्ट्स ओमनी किंग को मारने वाला है और मैं चाहता हूँ हर्ट्स ओमनी किंग को मारने में मेरी मदद करे। हैमर ऑफ जजमेंट। Uh-uh.
तुम लोगों में सिर्फ इतना ही दम है, मैं तुम लोगों की असली ताकत को देखना चाहता हूँ। गोकू नहीं। हाँ? तुम फिर से जीरेन, ये यहाँ पर कैसे आए हैं? मुझे लगता है यूनिवर्स 11 के कायोशिंदी ने यहाँ भेजा है। तो तुम भी यहाँ पर आ गए इन लोगों के साथ मरने के लिए। अब इसे संभालो। तुम यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक गार्ड पर हाथ उठाया। हीट यूनिवर्स 6, तुम यहाँ? यूनिवर्स 6 के कायोशिन के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी लोगों की मदद करने के लिए। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो इसे खत्म करें। लगता है वो अब बाहर आने वाला है। वो जल्द ही बाहर आने वाला है, मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता। अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ। उसके हमले से बचो। तुमने इस काम को बखूबी अच्छी तरीके से निभाया है। मैं तुम्हारी खूबियां और तुम्हारी लाजवाब शक्ति की कदर करता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि तुम भी एक गॉड हो और मुझे सभी गॉड्स को खत्म करना है। यूनिवर्स 7 के सभी योद्धाओं तैयार हो जाओ, तुम सब मरने वाले हो। क्या तुम सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? महसूस करो मेरी लाजवाब शक्ति को तुम सब। क्या
आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो चलो इस खेल को शुरू करते हैं। संभल कर डैड। ट्रंक्स, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये तो काफी लाजवाब है। अरे नहीं, ये तो बहुत ताकतवर है। तो ये है यूनिवर्स सीट की असली ताकत। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुम्हारे हमले मेरे सामने किसी भी काम के नहीं है। तुम दोनों मेरे सामने बिल्कुल भी बेकार हो। ग्रेविटी फाइनल। ये क्या हो रहा है? क्या? अब ये क्या चीज है? नहीं सकते, ये पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। हे वेजिटा, क्या हुआ? उसे हराने के लिए हमें आपस में फ्यूज होना होगा। क्या तुम्हारा मतलब उस घटिया फ्यूजन से तो नहीं? मैं अब दोबारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं जा सकता।
हमें उसे हराने के लिए आपस में फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। ये लोग आखिर इस तरह से क्यों खड़े हैं? लगता है ये लोग फ्यूज होने वाले हैं। चलो यहाँ से। हाँ। फ्यूजन। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? गोकू और वेजिटा एक साथ, हम हैं गोजीटा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे हरा सकते हो? चलो थोड़ी मस्ती करें। हर्ट्स। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। चलो शुरू करें। ये तो काफी अच्छा है, तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। तुम्हारी ये नई शक्ति तो लाजवाब है, अब मुझे मजा आएगा। लेकिन ये तुम्हारी शक्ति इतनी भी काफी नहीं है कि तुम मुझे जनों को मारने से रोक सको, लेकिन इसके लिए मैं सभी मॉर्टल्स को एक बार में ही खत्म कर दूंगा।
मुझे लगता है तुम अब तक नहीं समझे हर्ट्स। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लगता है तुम्हें समझने में कोई भूल हुई है। चलो बहुत हो गया, अब इस खेल को खत्म करते हैं। ये हो क्या रहा है? मैं तो हिल तक नहीं पा रहा, आखिर ये कर क्या रहा है? क्या और अब तुम सबका मरने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ तुम सब, ये तुम्हारा अंत है। ये हो क्या रहा है? आखिर वो क्या सोच रहा है? नहीं, अब तक तो नहीं। तुम इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, हार मान लो, ये तुम सबका अंत है। चलो अब इस खेल को खत्म करें। वो हम सभी के साथ पूरे प्लेनेट को नष्ट कर देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिकोलो, तुम इसे अकेले नहीं रोक सकते, इसे रोकना नामुमकिन है।
क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स की शक्ति है। ठीक है, एक साथ। यही सही वक्त है। लगता है तुम लोगों की शक्तियों का कोई भी सीमा नहीं है। चलो देखते हैं। एक बार अगर सोच लें तो वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। मैं बस तुम सभी को आजाद करवाना चाहता था। तुम सभी लोग पूरी तरह से आजाद नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी शक्तियों की सारी सीमा पार कर दी। मुझे तुम सबसे बहुत प्यार है। तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 96, 97, 98, 99, 100। क्या तुम सब तैयार हो? मैं तैयार हूँ। आखिर कहाँ हो तुम सब? मैं आ रहा हूँ। जेनो समा तो काफी खुश लग रहे हैं। चलो अब सब ठीक हो चुका है। आखिर कहाँ छुप गए तुम सब? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मेरा काम खत्म हुआ। तुम दोनों की ये शक्ति लाजवाब है। इस शक्ति का इस्तेमाल तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इसके साथ कभी फ्यूज नहीं होना चाहता। ये एक सैयन प्रिंस के शान के खिलाफ है। तो ठीक है वेजिटा, अगली बार से मैं ये अकेले ही कर लूंगा। अलविदा हर्ट्स, तुम्हारा एक नया यूनिवर्स बनाने का प्लान बहुत ही मजेदार था। वाह, अब मेरे एक्सपेरिमेंट को कोई नहीं रोक सकता। Ah!
मजा नहीं आया। हमने कर दिया। हाँ हे, मैं वापस आ गया। तैयार हो जाओ भाइयों,